सर, सबसे पहला सवाल जो पूरी देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आरडी शर्मा की किताब इतनी मोटी क्यों है? मेरी बुक लेके अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको टीचर की जरूरत नहीं है। इफ यू एनीबॉडी कैन डू इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स थोरोली, आई गारंटी दैट अ चाइल्ड विल सिक्योर मोर देन 100% मार्क्स अप टू 40 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। ये सब उन्होंने मेरे को आई थिंक एट द एज ऑफ 7 or 8 ईयर्स। सो पीएचडी तक आप खुद सीखते रहे और उसके बाद फिर आपने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। ये जो आप कमी की बात करते हैं कि जो कमी थी तो मैंने उनको किताबों से पूरा करने की कोशिश, ये कमी क्या थी सर? तो वो उन बुक्स में जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। चेंज जब होने लगा, ऑब्वियसली ज्यादा पैसे भी कमाने लगे होंगे, रॉयल्टी बढ़ गई होगी। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं शिक्षा सक्सेस स्टोरीज। आज के शिक्षा स्टोरीज के इस एपिसोड में आज हम मिलाएंगे आपको ऐसी खास शख्सियत से जिसको ढूंढना या जिससे मिलना अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में एक रिकॉर्ड कहा जाएगा, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो कि आपकी मेरी हर किसी की जिंदगी में, हर उस बच्चे की जिंदगी में जो कि PCM या PCB या इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनकी लिखी कई किताबों से आपने मैथ्स सीखी है, इनकी लिखी कई किताबों से आपने मैथ्स के बेसिक सीखे हैं और मैथ्स में अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाया है। नाम है आरडी शर्मा, जो आप सब जानते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा.com पर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल जो पूरी देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आरडी शर्मा की किताब इतनी मोटी क्यों है? मेरा पर्पस होता है टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट इन सच अ मैनर सो दैट इट्स इवन अ बिगिनर कैन अंडरस्टैंड। फॉर दैट आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी ल्यूसिड वे, एंड दैट्स द रीजन दैट द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, जवाब है आपके पास, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए आरडी शर्मा की किताब होती है। आरडी शर्मा की बुक कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं होती, कोई सिर्फ सवालों का एक कलेक्शन नहीं होता है जिसमें को आपने सॉल्व किया और आप सीख गए। द इंटेंशन इज कि आप बेसिक्स को सीखें, आप ये सीखें कि वो जो मैथ्स का जो फिनोमिनन है या फिर मैथ्स की जो टॉपिक है, उनको वो कहाँ से शुरू हुए, उनका बेसिस क्या है, फॉर्मूलों का बेसिस क्या है, और उन फॉर्मूलों को सीख कर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट? अच्छा सर, अब दूसरा आपसे सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि आप बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। आपकी किताबों को पढ़कर ही लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, और ऑब्वियसली अच्छी बदलती हैं, अच्छे की तरफ ज्यादा है। और ऐसे में अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूं, आरडी शर्मा ने वो क्या शिक्षा हासिल करी कि आज वो द आरडी शर्मा, एक बड़ी मोटी किताब आरडी शर्मा है? I worked very hard. I did lot of hard work to understand mathematics. और उसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे टीचर्स का भी रहा कि मुझे कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स मिले जिनकी वजह से उन्होंने मेरे को अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया मेरा मैथमेटिक्स में, और उस इंटरेस्ट की वजह से आई ट्राइड टू डेवलप माई डेप्थ इन दिस सब्जेक्ट, और लेटर स्टेज पे आई ट्राइड टू प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। अगर मैं आपकी शिक्षा की जर्नी की बात करूं तो आपने किस तरह की शिक्षा पाई, जरा वो विस्तार से बताइए। फ्रॉम द बिगनिंग इफ आई से फ्रॉम माय चाइल्डहुड, राइट, तो माय फादर वाज अ फार्मर, ही इनिशियली स्टार्टेड टीचिंग मी, हालांकि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, इंस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने मैथमेटिक्स में मेरे को मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स अप टू 40 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ये सब उन्होंने मेरे को आई थिंक एट द एज ऑफ 7 or 8 ईयर्स मुझे सब कुछ उन्होंने तैयार करवाया। वॉज ही एन एजुकेटर हिमसेल्फ? नो, ही वॉज नॉट एन, ही वॉज ए फार्मर। ओके, उन्होंने मेरे को आई विल से कि मुझे मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि उसकी वजह से चाइल्डहुड में ही मैं जैसे स्कूल जाता था तो टीचर्स मेरे को नॉर्मली स्कूल में प्रेयर में बुला लेते थे और कहते थे कि यू स्टार्ट रिसाइटिंग मल्टीपल्स एंड ऑल दिस, तो उससे मैं आई फेल्ट एनकरेज। आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी ने आपको 40 तक के टेबल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है याद करने के लिए प्रेरित किया, याद कराया, तो ऐसा क्या डिफरेंस था उनके अंदर या आपकी इस फैमिली के बैकग्राउंड के अंदर कि बच्चों को ऐसा सिखाया जा रहा था?
मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं था. नो वन वाज एन एजुकेशनिस्ट, और ऐसा नहीं था कि किसी के पास कोई फॉर्मल डिग्री थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ, ये जरूर था कि मेरे अंदर एक जील थी टू लर्न समथिंग, टू डू समथिंग, और उस जील को मेरे फादर ने पहचाना और मेरे को मोटिवेट किया. और उसके बाद मेरे को किसी की ऐसी गाइडेंस की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उस झील को लेके ही मैं आगे चलता रहा. तो ये जो झील की बात कर रहे हैं, ये आपके खुद की जो मेहनत की आप बात कर रहे हैं, तो पिताजी सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते थे या फिर मैथमेटिक्स ओनली? मैथमेटिक्स पे फोकस करते थे. ओके, फिर जब आप स्कूल में पहुंचे, स्कूल के बाद फिर ये मैथ्स का सफर कैसे आगे बढ़ा? इनिशियल बूस्ट फादर का था, उसके बाद स्कूल में टीचर्स अच्छे मिलते रहे. देसी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट. वन इज हु एक्नॉलेजेस द टीचर्स वे, एंड अदर इज हु नेग्लेक्ट्स द टीचर, और थर्ड यू कैन से कि वो जो ठीक है टीचर जो करवा रहा है वो ठीक है. मैं उस कैटेगरी में था जो टीचर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता था. तो मैं टीचर्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता था, टीचर्स उसको लाइक करते थे, मुझे फिर और अच्छा लगता था, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन. ओके, एंड व्हाट डिड यू डू इन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स? ग्रेजुएशन में मेरे को मेरे टीचर मिले प्रोफेसर आर के आमेटा, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे. उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को पहचाना और मेरे को एनकरेज भी किया, और अलग से मेरे को गाइड भी करते रहते थे. और मैथमेटिक्स मेरा अच्छा होने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रोफेसर आमेटा ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया. उसके बाद मास्टर्स में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर ज्वाइन किया. वहाँ भी फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड प्रोफेसर, प्रोफेसर केसी शर्मा. उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से एनकरेज किया, और मतलब उन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी. सो उनकी गाइडेंस से मैं आगे बढ़ा. तो ये पढ़ाई का, ये जो शिक्षा का दौर है, कब तक चलता रहा? ये मास्टर्स करने के बाद देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी. ओके, और पीएचडी के बाद फिर मैं राइटिंग में, मेरा पहले से ही था, सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स. सो पीएचडी तक आप खुद सीखते रहे, और उसके बाद फिर आपने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया. ये जो किताब लिखना, अब जो आर डी शर्मा की जो आपने किताब लिखी, लोगों के जीवन परिवर्तन कर रहे हैं, ये आइडिया दिमाग के अंदर पहली बार कब आया? When I was doing my masters, तो प्रोफेसर के सी शर्मा जी, जिसको जिनके बारे में मैंने बताया कि मेरे रोल मॉडल थे, तो वो ही पास्ड अवे, एंड ही वॉज टीचिंग अस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा. तो उनके जाने के बाद लीनियर अलजेब्रा का कोई टीचर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला नहीं था, एंड देर वॉज वैक्यूम. न हम लोगों के पास कोई बुक थी उस टाइम, न कोई टीचर था. तो ये कमी जो मेरे को बड़ी अकड़ती थी, और इस कमी की वजह से मेरे को लगा कि इस कमी को, इस गैप को किसी तरह से फिल किया जाए. तो मास्टर्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि लीनियर अलजेब्रा की ये जो गैप है, ये बुक को ऐसा कोई लिखा जाए. उसके लिए प्रोफेसर केसी शर्मा के मेरे पास क्लास नोट्स थे, मेरी अपनी नॉलेज थी, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट टाइम मैंने 1986 में लीनियर अलजेब्रा की बुक पब्लिश की. आपने जब ये बुक पब्लिश करी, लिखने का विचार, जैसे आप कोई भी रन ऑफ द मिल चीज़ करते हैं तो आपके लिए बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई किताब लिखे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास लिखने के लिए, ऑनलाइन मीडियम्स हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था में, एक ऐसे एनवायरमेंट में जब चीज़ बड़ी नई हो, या फिर पहला कदम उठाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है, आपकी पहली किताब थी एंड यू आर श्योर कि ऐसी किताब की ज़रूरत है, ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिला कि ये किताब लिखनी बहुत ज़रूरी है और ये किताब इस एनवायरनमेंट में मैथ्स के लिए एक ज़रूरत है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? कॉन्फिडेंस तो दीपक जी, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं अगर कोई मैटर प्रोड्यूस करूँगा तो वो मैटर बच्चों, स्टूडेंट्स को पसंद आएगा. तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से मेरे अंदर था, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ चीज़ को, बिकॉज आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम ऑल्सो इन वनस्थली विद्यापीठ. आई टॉट फॉर टू ईयर्स इन राजस्थान, इन राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड 7 years इन वनस्थली विद्यापीठ. सो ड्यूरिंग माई टीचिंग इन वनस्थली विद्यापीठ आई वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टीचर. ओके, सो दैट
sort of confidence was there. Okay. ये जो आप कमी की बात करते हैं कि जो कमी थी तो मैंने उनको किताबों से पूरा करने की कोशिश की, कमी क्या थी सर? मास्टर्स के बाद प्रोफेसर केसी शर्मा डाइड और उसकी वजह से एक अच्छे टीचर की कमी थी राजस्थानी यूनिवर्सिटी में. राजस्थानी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने वाली एक अच्छी बुक की ज़रूरत थी. राइट. तो इसलिए मैंने वो लीनियर अलजेब्रा की बुक लिखी. लेकिन वो सिर्फ राजस्थान में नहीं चल रही, आपकी किताबें ऑल ओवर इंडिया पसंद की. आई एम कमिंग टू दैट. राइट. तो अब जब उसके बाद जब मैंने दिल्ली में आया, मैंने दिल्ली में टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि 11th 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो बुक्स, दोज बुक्स आर सिंपली कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. सब्जेक्ट मैटर को तो प्रॉपरली डील कर ही नहीं रहे, कंसेप्ट को कोई कुछ बता ही नहीं रहा. सो आई थॉट कि हेयर ऑल्सो देर इज अ नीड ऑफ गुड बुक. तो वो उन बुक्स में जो कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स फॉर CBSE क्लास 6 to 12. पब्लिशर के पास जब पहली बार गए, उसका रिएक्शन क्या था आपके पास? आई नेवर वेंट टू अ पब्लिशर. ओके. पब्लिशर अप्रोच्ड मी फर्स्ट टाइम, ही अप्रोच्ड मी टू राइट अ बुक. आई सेड दैट आई एम रेडी टू राइट अ बुक ऑन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो उस टाइम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का और बाकी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होता था. तो आई फर्स्ट टाइम आई रोट दैट बुक ऑन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स इन 1995. ओके. सो दैट बुक वॉज वेल एक्सेप्टेड. उसके बाद ग्रेजुअली देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स फॉर दी स्कूल. सो ये जो एक्सेप्टेंस जब आपका स्टार्ट हुआ, जब आपको लगा कि आपके जो किताबें हैं वो इंडस्ट्री में या फिर बच्चों के द्वारा कंज्यूम की जा रही हैं और उसकी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको सेल्स में भी पता चला होगा कि किताबें ज़्यादा बिक रही हैं, ये जब अचानक ये जब परिवर्तन होने लगा, ये चेंज जब होने लगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे भी कमाने लगे होंगे, रॉयल्टी बढ़ गई होगी, तो इस तरह के चेंज का फैमिली में क्या असर दिखा? कि जब मैंने ये बुक्स लिखी तो मैंने आई नेवर रोट बुक्स फॉर द मनी. ओके. एंड टुडे आल्सो व्हेन आई राइट समथिंग आई डू नॉट राइट थिंकिंग दिस दैट इट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर मी. मुझे बुक्स में जो कमी नज़र आई मुझे लगा कि उस कमी को दूर किया जा सकता है, सब्जेक्ट को बेटर वे से प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे एक बिगनर एक लेमैन समझ सके. नॉट ओनली दिस, सब्जेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है कि स्टूडेंट को किसी टीचर की ज़रूरत नहीं हो. मतलब बुक, मेरी बुक लेने लेके अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको टीचर की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम 100% श्योर. मतलब दिस इज़ अ टेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि इफ एनीबॉडी इज सिंसियर, he or she starts reading my book, he or she will never require assistance from the teacher. Okay. My books are self-explanatory. मैंने किताबों में किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है उसके जस्ट बाद उसको इलस्ट्रेशन एंड आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. तो किसी भी कंसेप्ट को जब बच्चा शुरू करता है तो उसके साथ साथ उसको ये पता लग जाता है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे कि इस कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन है. और नॉट ओनली दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के बाद उसका नेक्स्ट हायर एप्लीकेशन क्या है, आई मीन टू से स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है. तो ये ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है मेरी बुक्स में. इसलिए बच्चे को मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरी बुक की थ्योरी आप पढ़ो, उसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स करो एंड स्किप एक्सरसाइजेस. Okay. If anybody can do illustrative examples thoroughly, I guarantee that a child will secure more than 100% marks. मुझे भी सर याद आ रहा है जब आपकी किताब पढ़ रहा था, मेरे गुरु भी यही कहते थे कि example पढ़ा करो इसके, example solve किया करो. In fact, examples मैं हमेशा stress यही करता हूँ. Increase is so smooth कि बच्चे को ये लगता है कि नहीं कि मैं एक certain level achieve. Transition महसूस नहीं हो पाएगा. वो इस level पे आ गया हूँ मैं. Okay. तो टू अचीव दैट लेवल सो स्मूथली वो बच्चा प्रॉब्लम्स करता रहेगा और उसको एक लेवल अचीव हो जाएगा. आर डी शर्मा वो व्यक्ति जिसकी किताबें बहुत बिक रही हैं, आर डी शर्मा वो एक बच्चा जिसके पिताजी उसको पहाड़ा सिखाते थे, पिताजी का क्या रिएक्शन रहा था बदलाव में जब ये जिंदगी अपने ये परिवर्तन होने लगा? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर उस चेंज को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाए, जल्दी चले गए. बट हाँ, वो मेरे प्रोग्रेस को देख के, मेरे नाम को देख के,
मैं समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट को कितनी खुशी होती है, तो वो बहुत खुश थे इस बात से कि ऑल ओवर इंडिया मेरा नाम है और लोग इस नाम को जानते हैं। तो पेरेंट्स की खुशी तो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आरडी शर्मा का जो दिन होता है, जो 24 घंटे का दिन होता है, मैथ्स में कितना गुजरता है पूरा दिन? माय एंटायर टाइम इज कंज्यूम्ड इन डूइंग मैथमेटिक्स। सो यू ईट ड्रिंक मैथ्स, यू कैन से। तो जब इंसान सुबह की शुरुआत करता है, खबरें पढ़ता है, न्यूज़पेपर लेता है, आरडी शर्मा क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या बताइए। मैं अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 आई यूज टू गेट अप, देन आई गो फॉर अ वॉक ऑलमोस्ट फॉर एन आवर और सो। उसके बाद वापस आके मैं अपने स्टडी रूम में बैठ जाता हूँ और मैथमेटिक्स या तो पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ। आज भी लिखते हैं? आज भी लिखते हैं। आरडी शर्मा की फ्यूचर में कोई आने वाली किताब? अभी रिसेंटली मेरी 4 बुक्स आ रही हैं। वन इज ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर बीटेक एंड बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स। सेकेंड इज इंटेग्रल कैलकुलस, दैट टू इज फॉर बीटेक एंड बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लीनियर अलजेब्रा, वो भी ग्रेजुएशन क्लासेज के लिए। एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टिल यू आर राइटिंग? या आपकी जो फैमिली है, जैसे इमीडिएट अभी जो फैमिली है, योर वाइफ, योर किड्स, उनका क्या रिएक्शन हुआ जब पिताजी की किताबें चलने लग गई, या फिर ये पता चला कि वो आरडी शर्मा की औलाद है? बच्चे तो इस बात से बहुत खुश होते हैं, जैसे मैंने बाप से शेयर किया था कि मेरी डॉटर यूएस में डॉक्टर है। ओके। तो आज भी जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो मिलते हैं, तो जब वो बताती है कि भाई मैं आरडी शर्मा की बेटी हूँ, तो वो उनका रिएक्शन होता है, अच्छा वो आरडी शर्मा जिसकी बुक्स हमने पढ़ी है। और सवाल वही होता होगा कि किताब इतनी मोटी क्यों है। सो जैसे आपके पिताजी ने आपको मैथ्स के गुर सिखाए, आपने क्या ये सेम पास ऑन किया बच्चों को भी? हाँ, मैंने मेरे बेटा और बेटी दोनों को आई ट्राइड टू पास ऑन द नॉलेज। एंड वर दे एज टैलेंटेड एज आरडी शर्मा? हाँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर that they are, both of them are very good in mathematics. मतलब सचिन तेंदुलकर का बेटा या सुनील गावस्कर का बेटा, सुनील गावस्कर तो नहीं बन पाएगा लेकिन टेस्ट मैच जरूर खेल लेगा। नहीं, they are very good in mathematics. Okay. हाँ, ये बात अलग है कि अब उनका प्रोफेशन अलग है। Okay. तो वो इस मेरे जो राइटिंग जो स्किल्स हैं इनको कैरी फॉरवर्ड वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज टू बी सीन। कि जैसे जैसे मैंने भी सुनील गावस्कर की, सचिन तेंदुलकर की बात करी, कहीं ना कहीं जब पिता बहुत अकम्प्लिश्ड होता है, उसकी लीनिएज को कैरी फॉरवर्ड करना बच्चे के दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक चैलेंज होता है। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही आपके बच्चों के जीवन में भी है? मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि उनका दोनों का, माय डॉटर इज ए डॉक्टर, माय सन इज एन इंजीनियर। अब ड्यू टू वो लैक ऑफ टाइम, आपको मालूम है कि आज की मल्टी नेशनल्स में काम करने में कितना टाइम लगता है, तो वो चाहते हुए भी इसको आगे कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे मुझे नहीं लग रहा कि। हाँ, वो चाहते हैं, माई सन वांट्स कि भाई इस लेगेसी को मैं आगे ले जाऊं, पर टाइम विल टेल। ओके सर, दूसरा, मैंने ना जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहीं ऑनलाइन मीडिया पर पढ़ा कि समवन अप्रोच्ड यू कि सर अपनी किताब जो है आप दूसरे पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराओ, विल गिव यू मोर मनी। आपने मना कर दिया, इसमें क्या सच्चाई थी और ऐसा क्यों किया? ये सच है और उसका रीजन ये है कि मैंने डे वन से जब भी राइटिंग का काम किया या अभी करता हूँ, तो मैं आई डू नॉट राइट फॉर द सेक ऑफ मनी, आई राइट फॉर द सेक ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, आई राइट फॉर द सेक ऑफ द रीडर, कि किसी के पास अगर ऐसा कंटेंट पूछता है जिससे उसको समझने में आसानी होती है और सब्जेक्ट को वो आगे अपने सब्जेक्ट को ग्रो कर सकता है, तो उससे ज़्यादा बड़ी मेरे लिए हैप्पीनेस की बात नहीं है। मनी तो एक सेकेंडरी पॉइंट है। यू स्टिल आर टीचिंग, आप अभी भी पढ़ाते हैं,
जनरली देखा जाता है कि जब हमारे आसपास कोई भी एक क्षमतावान व्यक्ति होता है जिसके पास स्पेशल पावर होती है, हम और मैं उसको अगर जानता हूं तो मैं तुरंत उससे कनेक्ट करता हूं, सर ये मुझे बता दो। तो क्या आसपास आपके आसपास के जितने स्टूडेंट्स हैं फैमिली में, रिलेशन में या जानने वाले नेबरहुड में आपके पास आते हैं कि सर मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम है या फिर मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रही, सिखा दीजिए? तो मैंने अपनी क्लास, नॉट ओनली माई क्लास, मैं दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को भी, आपकी कोई भी डिफिकल्टी है यू आर ऑलवेज वेलकम, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, एक बार नहीं आ रहा, दो बार नहीं आ रहा, तीन बार नहीं आ रहा, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। सेम इज द सिचुएशन इन दिस सोसाइटी ऑल्सो वेयर आई लिव, कि ये और मेरे फ्रेंड सर्कल के बच्चे होते हैं, राइट, मैं एनकरेज करता हूँ, बल्कि खुद कहता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल के कि हाँ बच्चों को मेरे पास भेज दो, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप अपने आसपास मतलब जो भी आपसे सीखने की कोशिश करता है आप उसको मैथ्स की शिक्षा देते हैं। नाउ आर डी शर्मा एज अ टीचर कैसे हैं? गुस्सैल हैं, मजाकिया हैं, जैसे शर्मा सर जिनसे आपने सीखा उनकी तरह हैं, किस तरह के टीचर हैं आर डी शर्मा? टीचर तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, जैसा मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं। और वो स्ट्रिक्टनेस का सिर्फ रीज़न ये है कि मैं क्लास में आई नीड 100% कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, और वो तभी वो सीख पाएंगे जब वो कंसंट्रेट करेंगे। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिसिप्लिन इन द क्लास, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द परफॉर्मेंस, आई वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ये सब कर अगर कोई भी टीचर करता है तो वो स्ट्रिक्ट तो अपने आप ही हो जाता है। आर डी शर्मा ने जब बनस्थली में पढ़ाना शुरू किया था, और या इनफैक्ट मैं कहूँ कि जब ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपने वहाँ पे टीचर की जगह पे जो है समझाना शुरू किया या ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर समझाते थे बच्चों को, और आज जब आर डी शर्मा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर टीचिंग का तरीका वही है? फ्रॉम द डे वन मैं किसी भी क्लास में गया, चाहे वो ग्रेजुएशन की क्लास थी या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी या इंजीनियरिंग क्लास थी, मैं कभी क्लास नोट्स या बुक या किसी के साथ, मैं सिंपली चौक स्टिक और डस्टर के साथ क्लास में जाता हूँ और स्टूडेंट्स को विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी सोर्स मटेरियल आई यूज टू डिलीवर द लेक्चर। तो और बच्चों को पसंद आता है बिकॉज आई रिलेट मैथमेटिक्स विद डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। मेरा जो डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट होता है ये नहीं कि मैंने 10 प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर दी, आई ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। सो आई मेक द सब्जेक्ट यू कैन से सो सिंपल दैट ए स्टूडेंट स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन। ओके, सो टीचिंग मेथडोलॉजी इज आई थिंक इट्स नॉट चेंज्ड। और टेम्परामेंट, पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, अब कम स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, टेम्परामेंट में थोड़ा सा चेंज है, जैसे जैसे आदमी की एज ज़्यादा होती है तो अब थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट, पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। तो आपके पहले के स्टूडेंट ने ज़्यादा झेला है। ओके, तो आर डी शर्मा की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, जिनकी जर्नी से आप इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को इसी तरीके से बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से भी लाइफ को बड़ा बनाया जा सकता है। प्रोबेबली आर डी जी का या शर्मा जी का मैं कहूँगा कि ये बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं कि सिंपलिस्टिक जीवन जीकर भी आप बड़े बन सकते हैं, बड़े ओहदों पर जा सकते हैं और नाम के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में, मैथ्स में खासकर, अपने जीवन में, अपने सब्जेक्ट्स में और ऊंचाइयों पर जाइए। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग शिक्षा.com।